इधर आता है, प्याज लहसुन मूली भी खाना चाहिए, वनस्पति है, किसी को मारते थोड़ी हो। माता जी बताओ, प्याज लहसुन मूली खाना चाहिए? तो क्यों नहीं खाना चाहिए? क्या उसके अंदर? प्याज खराब है क्या? खेती में बनती है, पत्ते गोभी भी तो खेती में बनती है, प्याज भी खेती में बनती है, किसी को मारते नहीं हो, दुख नहीं देते हो, तो क्यों नहीं खाना चाहिए? उसको काट के बात है, सब लोग तो अच्छे प्यार से खाते हैं, उसके बगैर खाना ही नहीं जाता है। तो माता जी कहती है प्यास आती है, बात आती है नहीं, सुगंध आता है कहता है नहीं। और बताओ, उसको काटते ही आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्यों? उसके अंदर कुछ है, दर्द होता है उसको? नहीं, बात नहीं वो नहीं का, प्याज को काटने से आपको दर्द होता है, आंखों से पानी क्यों आता है? कामिनी बहन कुछ कह रहे हैं, क्या कहता है? और बताओ क्या कहते, क्या है उसके अंदर? गरम है, तामसिक गरम, गरम तामसिक तांबा है, तामसिक क्या है? इसलिए अच्छी तरह सुनना, क्योंकि आजकल बच्चों को सबको इंटरनेट कंप्यूटर में सब मिलता है, पता होता है, आप फंसा नहीं सकते, ऐसा तांबा है, तामसिक है, मतलब क्या चीज है, अच्छी तरह से पता होना चाहिए। प्याज और लहसुन में 100% तेजाफ रहता है, हिंदी में तेजाफ कहते हैं, तेजाफ माना चांदी काली होती है, किससे धोते हो? एसिड से। बाथरूम के टाइल्स काले होते हो तो बाथरूम में स्त्री पता, किससे बाथरूम धोते हो? एसिड डाल के, और इंग्लिश में कहते हैं सल्फ्यूर करके एसिड है, हिंदी में कहते हैं तेजाफ, जो चांदी सोना धोते हो वो एसिड गर्म, जैसे इतने दूर एसिड रखो, आलू देखो इतना नजदीक पकड़ के काटो कुछ नहीं होता है, प्याज इतने दूर पकड़ के काटो क्या लगा आंखों को, क्यों आंसू आता है, इतना तेज केमिकल है गरम। तो हमारा पेट शीतल होना चाहिए, छाछ पीते हो, पानी पीते हो, एसिड डालो तो चलेगा, है ना? तो शरीर कैसे होना चाहिए? प्याज और लहसुन में 100% सल्फ्यूरिक सल्फ्यूर एसिड है, हिंदी में तेजाफ कहते हैं, मूली में 25% है, इसलिए देवताओं को मंदिर में मूली प्याज लहसुन का भोग लगाते हैं कभी? कल्याणपुर में लगाते होंगे? नहीं, नहीं लगाते हो ना, तो आप देवताओं के बच्चे हो कि किसके बच्चे हो? हाँ, तो देवता बनने वाले हैं ना, तो देवता बनने वालों को सात्विक भोजन के लिए ये वर्जित है। क्यों वर्जित है? कि प्याज खराब नहीं है, जहां बहुत ठंडी पड़ती है, बर्फ पड़ता है, उनको गर्म खाना चाहिए, तो उनके लिए है वो, यहाँ पहले से गर्म है, और गर्म डालेंगे तो क्या होगा? तो वो हमारे लिए खाना खराब नहीं है, उनके लिए खाना, ये हमारे लिए नहीं है, हमको जरूरत नहीं है, मंजूर? समझ में आया? क्यों नहीं खाना चाहिए? हर चीज की पता होना चाहिए, इसके अंदर ऐसे कहो तामसिक है, बास आती है तो कोई सुनेगा नहीं, बास आती तो आप नहीं खाओ, बच्चे कहेंगे माता जी आप नहीं खाओ हम खाते, माता जी घर में नहीं बनाती तो होटल में जाके खाएंगे, तो आपको बताना पड़ेगा इसके अंदर क्या है, खाना न खाना उनके ऊपर है ना, किसी को दबाव नहीं, प्रेशर नहीं करना चाहिए, एक बार समझाना चाहिए इसके अंदर क्या है, समझ से, क्योंकि आजकल सब बच्चे भी होशियार हो गए माँ बाप से।